हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आइए दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ दिखाती हूँ कि मॉनसून आ चुका है और उसके साथ मॉनसून के साथ कितना सारा बारिश भी आया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के साथ अच्छे से में बारिश होते हुए ही दिखा रहे हैं। वैसे दोस्तों, मेरी तरफ मॉनसून एक हफ्ता पहले ही आ चुका है, बट ये कल इतना सारा बारिश हुआ था दोस्तों। जैसा कि कल फ्राइडे था और आज सैटरडे है, ये देखिए दोस्तों, रिमझिम रिमझिम बारिश बारिश का मौसम आ चुका है दोस्तों। बरसात के सीजन में जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता ही है कि कितना बारिश होता है, वैसा ही मौसम मेरे तरफ भी किए हुए हैं। डेली एक आध दिन बीच होने के बाद बहुत भयंकर वाला दोस्तों ज़ोरदार बारिश होता है, जैसा कि अभी आप लोग देख ही रहे हैं। इसी तरह का मौसम हर एक दो दिन बीच करके होता है। बारिश वाला जितना सीन था दोस्तों वह कल का फ्राइडे का था, बट आज यहाँ से दोस्तों सैटरडे का है। जैसा कि आज सुबह के शुरुआत में गोलगप्पा के साथ की हूँ, जैसा कि अभी टाइम 9 बजने के करीब हो रहा है और मैं अपनी एक दोस्त को आज गोलगप्पा खाने के लिए घर पे इनवाइट की थी, उसको बुलाई थी, इसीलिए दोस्तों आज मैंने इतने सारा गोलगप्पा अपने घर पर ही बनाई हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो रेडीमेड गोलगप्पा आता है वही है दोस्तों, उसी को फ्राई की हूँ। उसके साथ चोखा और इमली का पानी बनाई हूँ दोस्तों घर पे, और मसाला वाला दही भी थोड़ा सा थाली में रख ली हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताई थी कि मैं एक फ्रेंड को आज गोलगप्पा खाने के लिए अपने घर पर बुलाई हूँ, तो ये देखिए वो आई है और मैं उसको गोलगप्पा खिला रही हूँ। और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला काला वाला पाचक किस किस को याद है। ये हम लोगों का बचपन का बात है दोस्तों, जैसा कि हम लोग स्कूल टाइम में स्कूल जाते थे तो ये 50 पैसे में 1 रुपये में काला पाचक मिलता था, वही हम लोग खाते थे दोस्तों। जैसा कि ये काला वाला पाचक दोस्तों मेरे को जबलपुर की, जैसा कि मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि भाभी की बेटी यानी कि मेरी भतीजी लगती है, वो अपनी बहन के यहाँ शादी में आई थी तो वही लाके मेरे को दी दोस्तों। मेरा बचपन का याद ताज़ा हो गया काला पाचक देख कर, इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है दोस्तों खाने में। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, अमरूद का पेड़, जैसा कि मेरे आंगन में अमरूद का पेड़ था दोस्तों तो वो कट चुका, अब मेरे घर में अमरूद का पेड़ नहीं। ये पास में बगल में पेड़ है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बालकनी में, उसका डाली आया हुआ है तो मतलब पहुँच जाते हैं अमरूद तोड़ने के, तो उसी में से दोस्तों ये देखिए मैं 6-7 अमरूद तोड़ी हूँ खाने के लिए। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आज सैटरडे है तो मैंने आज लंच में खिचड़ी बनाई थी दोस्तों, उसके संग प्याज वाला चोखा पापड़, उसके बाद चावल का बड़ी और आलू का चिप्स और दही।
यही आज का मेरा लंच था दोस्तों। जैसा कि मैं दही उसमें मसाला डालकर खाती हूँ, तो मसाला डाली। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, आगे का क्लिप मैं जबलपुर की मेरी भतीजी अपने घर पे कथा पूजा करवाई थी, तो उसी का एक आध दो क्लिप भेजी है, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, वो अपने घर पे सत्यनारायण स्वामी की कथा करवाई थी, तो उसी का थोड़ा सा वीडियो बनाई है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पोस्ट कर दूंगी, हट जाए कैमरा, मैं पोस्ट कर दूंगी, हट जाए मामी के पोस्ट कर। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, उसका लुक, आज पूजा के लिए वो रेडी हुई थी, उसी का फोटो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू।